चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है मैंने, ऐसा तो तुमको देख रहे हो डायरेक्ट आंसर तुमको सारा कुछ प्रोसेस नजर आ रहा है, मैंने प्रोसेस के साथ बताना है बताया है बाबू, मगर इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते क्या हुआ, पूरा साउंड डिलीट हो गया है, तो इसलिए आपको ये तीन चार क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको इसी तरह से मिलेंगे, फिर बाकी में सारे प्रोसेस के थ्रू है। तो यहाँ पर क्या करें कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, इसके केंद्रीय कोण की माप 120 डिग्री दे दी है, इसके मोड़ करके एक शंकु बना दे, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो हम शंकु का आयतन कैसे निकालें, तो त्रिज्यखंड को मोड़ करके ना 120 डिग्री का हम त्रिज्यखंड बना लिया, ए बी और सी है, अब इसी को मोड़ा है ठीक है, तो यानी क्या करेगा, बी को ऐसे करके गोल नचा करके सी पास पहुंचा देगा, तो ठीक इस तरह से डायग्राम बन गया, ये शंकु बन गया तुमको। अब जब शंकु बन गया है तो इसका हमें आयतन निकालना है, तो यहाँ पर देख लो ये वाला जो पोर्शन है यानी 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला, यही पोर्शन इधर भी है, यानी इसका त्रिज्या की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल 12 सेंटीमीटर, और इसी को गोला को घुमाया गया है, तो यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है शंकु के आधार का क्षेत्रफल नहीं आधार का परिधि, और जो हो जाएगा त्रिज्यखंड यानी चाप का जो लंबाई वाला होगा इसका, यानी ये पाटे पूरा BC, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से ठीक है। तो यानी यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, थीटा बटा 360 गुना 2 πr होता है पर चाप की लंबाई या त्रिज्यखंड की परिधि, 120 बटा 360 गुना 2 πr किया, और यहाँ पर 2 πr किसका हम देखने हैं, इसका परिधि यानी शंकु के ना, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल ले, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, 120 बटा 360 1/3 ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से हमको आर आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 किसका आ गया शंकु का ना त्रिज्या, अब हम निकाल लेते हैं आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हम एच का जरूरत है, तो एच बराबर क्या हो जाता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया एच निकाल लिया ठीक है। चलो अब यहाँ से एच जो निकाल लिया, अब एच का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर तुमको आगे आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि बेलनाकार पाइप है जिसका व्यास है 5 मिलीमीटर, से 10 मीटर पर मिनट की चाल से पानी बह रहा है, तो एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, यदि बर्तन का व्यास 40 सेंटीमीटर है और गहराई 24 सेंटीमीटर है, इसे भरने में कितना समय लगे, तो हम सबसे पहले मिलीमीटर को हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया। अब तुमको ध्यान से देखो यहाँ पर एक शंक्वाकार बर्तन में पानी गिरता है यहाँ से बेलनाकार पाइप से, तो जितना शंक्वाकार बर्तन में पानी हटेगा उतना ही ना पानी उधर से आएगा, यानी दोनों का आयतन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो 1/3 πr² एच बराबर πr² एच बेलनाकार में है, बेलना 1/3 π, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, एच हम किसका निकाल रहे हैं जितना लंबा दूर से पानी आ रहा है उसका ना, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तेज का वैल्यू तुमको आ जा रहा है कितना 128 मीटर ठीक है। अब क्या करें 128 मीटर तो आ गया, अब तुमको क्या चाहिए, हमको निकालना था भरने में कितना समय लग रहा है, तो समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 128 मीटर ना, समय कितना लग रहा है यानी यहाँ पर जो है समय हमसे पूछ रहा था, तो 40 का कितना है 10 मीटर पर मिनट में ना, तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो टाइम जो होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस पर टाइम सॉरी डिस्टेंस पर चालना यानी स्पीड, तो स्पीड क्या हो 10 मीटर पर मिनट, तो 10 मीटर मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं यानी 1/6 मीटर पर सेकंड, अब इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं, तो कैलकुलेशन कर दें कहो कि मिनट से सेकंड में चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि टाइम का यूनिट मिनट क्या होता है सेकंड में, और इसको स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए हमने कर लिया, तो यहाँ से ये तो प्रोसेस पूरा आ गया सेकंड का ना आ गया सेकंड का आ गया, तो इसको यदि मिनट में चेंज कर लोगे तो तुमको आ जाएगा कितना 51 मिनट बाहर ठीक है, ये आ गया सेकंड में ना, सेकंड से पुनः मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन तुमको क्या करा है बाबू, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से पूर्णतः भरा है, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में जिसके आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर में डाल दिया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का तल कितना, वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन बेलनाकार बर्तन का आयतन दोनों बराबर होगा, दोनों को हम वैल्यू पुट कर देते हैं जिसका जिसका दिया है वहां से हमें निकल जाएगा बेलनाकार पानी का यानी एच ना,
ये से जितना तली उठेगा उतना ही उसका क्या होगा, हाइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, एक किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है, तो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठ को पेंट करने का व्यय पूछ रहा है। तो बाहरी पृष्ठ को पेंट करना है यानी हमें कहाँ निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर ए, तो एल यहाँ से हमने निकाल लिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, क्योंकि ऊंचाई दे दिया है ना, तो यहाँ से हम सबको यूनिट हम मीटर में कर देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करके तुमको आ गया एच सॉरी एल का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 1.02 मीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, पाई के अपने 3.14 ले लेते हैं, आर 20 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास 40 सेंटीमीटर, 1.02 कैलकुलेशन तुम कर दोगे तो यहां से तुमको आ जाएगा कितना 314। अगर 384 रुपया तो आएगा, मगर पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो आया प्रोसेस करने से यहाँ पर जो पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है जिसको हम गोल घेर रहे हैं ये वाला पार्ट से आ जाएगा तुमको क्या, एक एक शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ना, हमको 50 शंकु है तो 50 शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से आ गया, ठीक है, ये पॉइंट तक 50 से गुना कर देंगे उसमें। अब क्या करा है, 1 मीटर का 12 रुपया ना, तो 1200 गुना कर देंगे, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दो तो आ जाएगा तुमको 384। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलो इतना ही तक बनाया गया।